हेलो दोस्तों, वेलकम टू फटाफट इंग्लिश। आज हम फटाफट इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स से देखने वाले हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स के कॉन्सेप्ट के अंदर जाने से पहले आप हमारे लिए एक थोड़ी सी हेल्प करने की जरूरत है। कौन सी हेल्प? हमारे फटाफट इंग्लिश के वीडियोस को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल विस्टम जॉब्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद। RRB, RBI असिस्टेंट एग्जाम्स और बाकी बहुत ही सारे एग्जाम्स है, तो हम वो सारे कॉन्सेप्ट को, सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आपके सामने बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ आपके सामने आ रहे हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक कैसे सॉल्व करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फटाफट इंग्लिश। आज फटाफट इंग्लिश आपके सामने एक इंपॉर्टेंट सी क्वेश्चन लेके आई है जो बहुत ही कंफ्यूज्ड है और बहुत ही सारे ऑप्शंस है जो बहुत ही डिफिकल्ट मीनिंग्स के साथ है। लेकिन यहां पे सिर्फ आपको सोचना है नॉट विद द मीनिंग्स बट ओनली द विद द कॉमन सेंसिकल थिंग, कि कैसे बाहर चीजें काम करती है और क्या मतलब कौन सी गवर्नमेंट अथॉरिटी या कौन सी अथॉरिटी उसको प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे मैं प्रोवाइड के बारे में क्यों बात की वो तो आपको बाद में पता चलेगा, मैं आपको बोलने वाली हूँ। ये है आज का हमारा क्वेश्चन और जिसका ऑप्शन यहाँ पे है, चार छह ऑप्शन है यहाँ पे और उसके नीचे आपके ओरिजिनल ऑप्शन है, मतलब एक ही ब्लैंक है लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन सूटेबल हैं और दो ऑप्शन का यहाँ पे दिया गया है। एक दिया गया है A&D ऑप्शन, मतलब आपको यहाँ पे दिया गया है सब्सिडीज और एक वेरविदॉल, ये है आपका एक ऑप्शन। और एक दिया गया है B&C, मतलब स्टेक्स एंड एलिमोनी, स्टेक्स एंड एलिमोनी, ये है आपका दूसरा ऑप्शन। और एक दिया गया है A&F, सब्सिडीज एंड सस्टेनेंस, ये आपका तीसरा ऑप्शन है। और दूसरा और चौथा ऑप्शन है A&B, दैट इज सब्सिडीज एंड स्टेक्स। और अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो A, B, C and D का यूज हुआ है लेकिन E का कोई यूज ही नहीं है, मतलब E का यहां पे ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। तो सिर्फ आपको A, B, C, D और F में आपका ऑप्शन, दो ऑप्शंस बचे हैं जो आपको ढूंढना होगा। तो अब देखते हैं दोस्तों यहां पे क्या क्वेश्चन है। द बैंक रेडिली एक्सेप्टेड टू प्रोवाइड हिम असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ डैश। बैंक को किसी को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है बट इन द फॉर्म ऑफ वॉट। दोस्तों यहां पे अगर आप देख सकते हैं तो स्टेक्स जैसी चीज है, मतलब यहां पे जो स्टेक्स है, यहां पे स्टेक्स आर नॉट प्रोवाइडेड बाय बैंक। स्टेक्स एक शेयर होल्डर्स होते हैं जो स्टेक्स डालते हैं और ये ऑब्वियसली बैंक प्रोवाइड नहीं करता है, तो ये बैंक के कैटेगरी के अंदर नहीं आता है, तो स्टेक्स यहां पे राइट ऑप्शन नहीं है। और दूसरा यहां पे सी देखिए, एलिमोनी भी यहां पे यूज नहीं होता। एलिमोनी मतलब एक फॉर्मेशन ऑफ पेमेंट होता है, जब कोई भी मतलब पति पत्नी जब डिवोर्स ले लेते हैं तो एलिमोनी प्रोवाइड करनी होती है, जब कोई किसी दो लोग जब भी मतलब जैसे मोस्ट ऑफ द थिंग्स एलिमोनी जैसी एक टर्म यूज होती है सिर्फ डिवोर्स में, जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ जब भी मतलब कोई डिफरेंसेस के वजह से जब भी वो पार्ट करते हैं, वेस पार्ट हो जाते हैं उनके, तब कोर्ट ऑर्डर देती है एलुमनी प्रोवाइड करने के लिए, तो एलुमनी कोर्ट के अंडर आता है। स्टेक्स शेयर होल्डर्स के अंडर आता है। और यहाँ पे सस्टेनेंस जैसी चीजें, सस्टेनेंस इज जस्ट अ सिंपली अ काइंड ऑफ लिविंग, सो यहाँ पे ये भी बैंक नहीं देता। तो आपको दो ऑप्शन बचे हैं, वो है सब्सिडीज एंड वेयरविदॉल। ऑब्वियसली दोस्तों सब्सिडीज एंड वेयरविदॉल आर प्रोवाइडेड बाय बैंक। जब भी बैंक कोई आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, लाइक फार्मर्स ले लीजिए, फार्मर्स का प्रॉब्लम हो, अगर कोई फार्मर्स को एग्रीकल्चर करनी है, लोन प्रोवाइड करती है और लोन में सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, मतलब फार्मर के कोटा के लिए। स्टूडेंट लोन होती है, स्टूडेंट लोन में भी स्टूडेंट के सब्सिडी में प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे ही सब्सिडीज और वेयरविदॉल इज अ इक्वल टर्म, सो बोथ द ऑप्शंस आर राइट ऑप्शन हियर। अब देखते हैं A and D कहां पे है। आपका ऑप्शन ए में A and D ऑप्शन है। तो यहां का पूरा का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है सब्सिडीज एंड वेयरविदॉल। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सब्सिडीज
where withdrawal. कोई भी option यहाँ पे use हो सकता है. The bank readily accepted to provide him assistance in the form of subsidies or where withdrawal. So that is your answer, friends. ये इतना easy होता है. मैंने कहा था आपको पहले ही कि हमें पता, commonsensically हमें ये पता रहना है कि कौन सा authority क्या provide करता है. तो यहाँ पे हम meaning से पहले bank क्या provide करता है ये हम जान चुके, क्योंकि हमें पता है stakes, alimony और assets, इन जैसे चीजें जो भी है, ये सस्टेनेंस, ये जो भी चीजें हैं, ये सब कुछ बैंक प्रोवाइड नहीं करता. एसेट्स मतलब कॉमनली एसेट्स का मीनिंग होता है हमारी जो प्रॉपर्टी. एसेट्स मतलब हमारी लैंड प्रॉपर्टी को बोल सकते हैं, या हमारी बिल्डिंग्स जो भी हैं, इन सबको एसेट्स के अंडर कैटेगरी में आता है, लेकिन ये बैंक प्रोवाइड नहीं करता है. सो दोस्तों, दिस इज हाउ यू सॉल्व अ फिल इन द ब्लैंक बाय सिंपली अंडरस्टैंडिंग व्हाट अथॉरिटी कंट्रोल्स व्हाट. सो बेसिकली इन जैसे चीज़ों के लिए नॉलेज भी होना, जनरल नॉलेज भी होना बहुत ही ज़रूरत होता है. डू नॉट वरी, हम हैं आपके पास, हमके सामने, तो हम बहुत ही सारे ट्रिक्स के साथ और भी सारे वीडियोस रिलीज करेंगे. फटाफट इंग्लिश के वीडियोस को फॉलो करने के लिए विस्टम जॉब्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. अगर कोई भी डाउट हो तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा. थैंक यू.